हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट और कोरोना वायरस, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सभी मीडिया में हो रही है। अभी अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले कि भाई अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री से अपील की कि हमारे यहाँ से, मतलब इंडिया से अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट का एक्सपोर्ट करो, और उन्होंने वो डिमांड किया था। तो ये किसको काम किए, कोरोना में क्या इसका काम होता है, क्या फायदे किए? तो ऐसा माना जा रहा है और ऐसा एक रिसर्च में मालूम हुआ है कि जो डॉक्टर, जो नर्सेस कोरोना वायरस के एकदम नज़दीकी है, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको एक प्रिवेंटिव करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काम की हो सकती है। इसमें ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है, रिसर्च नहीं है ऐसे पक्का कि होंगी हम, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेनली मलेरिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी उन्होंने देखा कि भाई कोरोना में भी इसका फायदा हो सकता है। तो ये टैबलेट का ऐसा है कि 200 मिलीग्राम की ये टैबलेट आती है, इसकी दो गोलियां एक साथ में ले सकते हैं आप, फिर 8 घंटे बाद में फिर और दो गोलियां ले सकते हैं, मतलब 4 गोली हो गई आज के दिन, और फिर एक दिन में 200 मिलीग्राम ऐसे कल और परसों एक गोली, ऐसे दो गोलियां, मतलब 4-8, कल एक गोली पांचवी और परसों एक गोली छठवीं, ऐसी 6 गोलियों का आप कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का चांस आपको कम हो सकता है, गारंटी नहीं है। तो ये आप कोशिश कर लो, ट्राई कर लो, जो भी उनको लगता है कि नहीं हमने केयर लेनी चाहिए तो जरूर ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप इसका साइड इफेक्ट टालने के लिए ओमिप्राजॉल जैसी गोली, या मतलब स्टमक अपसेट टालने के लिए लेते हैं, तो स्टमक अपसेट के साथ साथ नौशिया, मतलब जी मछलाना, वॉमिटिंग जैसा ये साइड इफेक्ट नहीं होंगे। वैसे 6 गोलियां लेते तो इससे बहुत कुछ लंबे साइड इफेक्ट होने वाले है नहीं। ये गोली लेने के पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो और उनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही ये दवाई आप ले लो। थैंक यू वेरी मच।